नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्कार डॉक्टर, मैं आपके पड़ोस में सामने वाली गली में ही रहता हूँ। जानती हूँ। और आज पहली बार आपके पास। हाँ, कैसे आना हुआ प्रेम? आपको तो पता है अभी मेरी शादी हुई थी। हाँ। आप आए भी थे। हाँ डॉक्टर, दरअसल एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है बताओ। कहते हैं लोग शादी के बाद खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और शादी होने से पहले तो मैं बहुत खुश था, लेकिन शादी होने के तुरंत बाद मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों क्यों दुखी है? क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी अब आपसे मैं कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा। शर्माओ मत प्रेम, खुल के बताओ क्या बात है। तो बात यह है कि आज तक शादी से पहले मैंने कभी भी किसी भी लड़की को टच नहीं किया। अच्छा। ना ही सेक्स किया। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी ऐसी लड़की मिले। बिल्कुल। और मैंने सोचा कि ऐसी लड़की वो है भी। अब मेरी स्वागरात हुई। स्वागरात को मैंने 3 बार सेक्स भी किया। अच्छा। अब मैंने अपने दोस्तों से एक सवाल पूछा था जो सभी पूछते हैं, आजकल की जनरेशन सब पूछते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तू स्वागरात करेगा ना, अगर तेरी वाइफ की ब्लड निकला, सील टूटी, तो वो अनटच है। अगर नहीं निकला तो वो पहले से ही। अब मेरे जहन में ये बात बार बार घूम रही है, मैंने 3 बार सेक्स किया लेकिन एक बार भी उसके ब्लड नहीं निकला। तुम इस बात की टेंशन मत लो प्रेम, मैं तुम्हें समझाती हूँ। क्या तुम्हारी वाइफ स्पोर्ट्स में थी? हाँ, वो स्पोर्ट्स में थी, स्विमिंग और NCC सब ज्वाइन किया। एग्जैक्टली। जब लड़कियाँ कई स्पोर्ट्स में होती हैं या स्विमिंग करती हैं या साइकिलिंग करती हैं, तो उस वक्त उनके बच्चेदानी पर, मोस्टली लड़कियों के, सभी लड़कियों के बच्चेदानी पर एक बारीक सी झिल्ली होती है, बारीक झिल्ली होती है। तो वो कई बार तो साइकिलिंग करते हुए या स्पोर्ट्स में कूदते हुए फांकते हुए वो झिल्ली कई बार कई लड़कियों की फट जाती है। लेकिन जो नॉर्मल घरेलू लड़कियाँ होती हैं तो उनकी झिल्ली नहीं फट पाती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेम कि आपके सेक्स करते वक्त उसको ब्लीडिंग हुई या नहीं। इससे बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता कि वो अनटच है या टच है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। क्यों? जो एक लड़की प्लेयर होती है तो उसकी झिल्ली फट जाती है। बहुत से, तुम्हारे अंदर ही ये सवाल नहीं, बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल होता है, बहुत से मर्द के अंदर ये सवाल उठता है कि मेरी वाइफ को अगर पहली रात को ब्लीडिंग होती है तो वो अनटच है, अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हुई तो उसके रिश्ते हैं किसी के साथ में। इस तरह से आप अपने रिश्ते खुद खराब कर लेते हो, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियों को कूदते फांकते वक्त ये झिल्ली फट जाती है और कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है प्रेम कि जो लड़की तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन के आई है, वो गलत है। इस तरह तो आप इस बहम में, इस शक में अपने रिश्ते खराब कर लोगे। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जब मैंने पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उसने अपने आप को मुझे बड़ी आसानी से सौंप दिया था। उसको, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये पहली बार सेक्स कर रही है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है जब लड़की शादी करके आती है तो वो सिर्फ उसे अपना एक हस्बैंड ही नहीं मानती, एक दोस्त मानती है। और जब उसे पता है कि आपकी शादी उसके साथ हो चुकी है, आप पूरी तरह से उसकी हैं, तो कई लड़कियां शोर शराबा ये वो चिल्लम चिल्ली करती हैं। कई लड़कियां समझदार होती हैं जो इस तरह की हरकत नहीं करती, क्योंकि परिवार में रहती हैं, सारा परिवार वहाँ होता है, एक आपकी ज्वाइंट फैमिली वहाँ होती है, हर चीज़ का ध्यान करती है एक लड़की। आप इसलिए उसे गलत ना समझे प्रेम, और उस पर विश्वास करें। डॉक्टर, आपकी सारी बातें मेरे अच्छी तरीके समझ में आ गई है। देखो प्रेम, ये बातें अपने तक सीमित मत रखना। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि अगर ब्लड निकलता है तो वो अनटच होती है, अगर ब्लड नहीं निकल रहा है तो वो टच की हुई होती है, ये गलत फहमी होती है। आप अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें बताएंगे, बहुत से परिवार इसी गलत फहमी की वजह से टूट जाते हैं प्रेम। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात का समझा सको, उन्हें इस बात के लिए ज्ञान दे सको कि हमेशा लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं, और इन बातों के लिए तो बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, मेरा भ्रम टूट गया। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।